और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप बिना एटीएम कार्ड के अब आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, वो किस तरीके से निकालेंगे चलिए जान लेते हैं। आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल से ही पैसे एटीएम के जरिए निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्या करना है वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि जो सुविधा है ये सभी बैंकों ने लगभग दे ही दी है, ठीक है, पर कुछ बैंकें हैं अभी नहीं दे रही हैं। इसी के साथ में अगर आपका खाता SBI में है तो आप किस तरीके से पैसे निकालेंगे बिना ATM कार्ड के ATM मशीन से, तो आपको अपने फ़ोन में योनो एप्लीकेशन को यहां पर ओपन कर लेना है। ये SBI की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पर अपना MPIN एंटर कर देता हूँ। मैंने अपना MPIN यहाँ पर एंटर कर दिया है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा योनो कैश, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ATM, जो कि देख पा रहे हैं। इसी के साथ में इसकी जो लिमिट है वो है 20,000 रुपये की। आप बिना ATM कार्ड से आप यहाँ पर ATM मशीन से 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। इसके लिए आगे आपको क्या करना है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके अकाउंट में यहाँ पर जितना भी बैलेंस होगा शो हो जाएगा, आप कितने पैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। कम में कम आप यहाँ पर 500 रुपये निकाल सकते हैं, 500 से अगर आप कम निकालेंगे तो आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कम में कम आप 500 रुपये यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 500 एंटर कर दिए हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप अपना यहाँ पर पिन एंटर करेंगे। अब ये पिन कौन सा है, जैसे कि आपको एक न्यू पिन यहाँ पर बनाना है जो कि आपको ATM मशीन में एंटर करना होगा 6 अंकों का, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पिन बना देता हूँ, पर 6 अंकों का पिन बना देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, कहने का मतलब है रिव्यू का मतलब है कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप ATM से यानी कि जो पैसे हैं वो 500 रुपये निकाल सकते हैं योनो कैश पिन के जरिए, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर एग्रीमेंट को टिक करेंगे। नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थैंक यू, ठीक है, आपके सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कोड है, इस कोड को भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर कोड एंटर करना होता है। अब इसी के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले SBI के ATM में जाना है और वहाँ पर आपको योनो कैश का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो जो आपके SMS में जो 6 अंक का कोड आया था वो कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो कि SMS के माध्यम से आया था, ठीक है। वो आपको डालना नहीं है जो आपने बनाया था, ठीक है। जो SMS में आया है वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक करना है, ठीक है, जैसे कि कोड डालकर, ठीक है, आपको कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि कितने पैसे आप यहां पर निकालना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने 500 रुपये का कोड बनाया है तो आप 500 रुपये यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद में यस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में जो आपने फिर कोड बनाया था 6 अंकों का वो कोड आप यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद में कन्फर्म पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैश विड्रॉ का ऑप्शन, ठीक है, जैसे कि आपको जो पैसा है वो यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बिना ATM कार्ड के हम ATM मशीन से पैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।